नमस्कार, मैं आईपीएस नवनीत कामत, डीसीपी जोन 2, छत्रपति संभाजी नगर शहर पुलिस। पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से मैं आप सभी शहरवासियों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। कुछ अलग प्रकार के जो गुनाह है हमारे सामने आने लगे हैं, जिसका मैं सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ताकि आप उस गुनाह के बलि ना बने। पिछले 15 दिनों में जवाहर नगर के आसपास फेक पुलिस बन के लोगों ने क्राइम किया है। वो एक वृद्ध महिला को रोकते हैं और बोलते हैं कि माताजी, हम पुलिस में काम करते हैं, आपके जो दागिने हैं ये हमें दे दीजिए, वो सेफ कस्टडी में रहेंगे। ये दागिने का उनका अलग अलग तरीके का मोडस हो सकता है। वो ये कह सकते हैं कि आगे क्राइम हुआ है, कृपया अपने दागिने आप अंदर रख लीजिए, या फिर हम पुलिस हैं तो हमारे को दे दीजिए, नहीं तो वो चोरी हो जाएंगे। और इस सब प्रोसीजर में या तो वो आपके दागिने चोरी कर लेंगे, या फिर फेक डुप्लीकेट दागिने आपको देके ओरिजिनल दागिने को लेके चले जाएंगे। तो इस क्राइम के लिए मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि पुलिस कभी भी आपको आपके दागिने के बारे में पूछेगी नहीं। तो कोई भी इंसान अगर आपको कह रहा है कि वो पुलिस है और आप अपने दागिने हमें दे दीजिए या फिर अपने बैग में रख लीजिए, तो बिल्कुल गलत है, वो पुलिस का इंसान नहीं है। और इस केस में अब आपको कभी भी शंका होती है तो आप डायल 112 पर डायल कीजिए और पुलिस आपकी वहां 5 मिनट में पहुंच के इसमें मदद करेगी। तो मैं अगेन सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि फेक पुलिस के क्राइम को हमें रोकना है। किसी पे भी आपको अगर शक है कि वो पुलिस बनने का नाटक कर रहा है, तो कृपया करके 112 डायल कीजिए और हमारे तक वो माहिती पहुंचाइए। नेक्स्ट, मैं साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहता हूं। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो आपके फोन के थ्रू, आपके इंटरनेट के थ्रू, सभी लोगों को, आजकल सभी लोगों को इसका डर रहता है कि वो साइबर क्राइम के बलि पड़ सकते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। तो उसमें बेसिकली आम भाषा में मैं सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपके पास साइबर क्राइम के लिए या तो आपके पास फोन पर मैसेज आएगा, या आपको एक फेक बैंक की तरफ से या फिर फेक कस्टमर केयर की तरफ से आपको कॉल आएगा। अल्टीमेटली आपके जो बैंक का जो खाते के जो पैसे हैं, उन पैसों को निकाल के वो खुद के खाते में ट्रांसफर कर लेंगे। इस सभी में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी भी लिंक को क्लिक ना करें जब तक आप श्योर नहीं है कि वो लिंक जेन्युइनली बैंक ने भेजा है। आप किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी कस्टमर केयर, कोई भी इंसान अगर आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक भेज रहा है, जैसे एनीडेस्क ऐप, कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, कृपया करके उसको इंस्टॉल नहीं कीजिए। कोई भी ओटीपी अगर आपको शेयर हो रहा है आपके बैंक की तरफ से या किसी भी तरीके से, और आपको कोई इंसान फोन करके पूछ रहा है कि उसका ओटीपी बता दीजिए, आपको वो ओटीपी नहीं बताना है। और उसके अलावा कोई भी आपको क्यूआर कोड भेज रहा है या फिर यूपीआई का लिंक भेज रहा है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो जिस भी तरीके से आपको कोई भी मैसेज आता है आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके फोन के टेक्स्ट मैसेज में, जहां पे आपको ऐसा प्रलोभित किया जाता है कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं, इतने करोड़ जीत चुके हैं, कृपया करके वो लिंक क्लिक मत कीजिए। आपने सिर्फ ये एडवाइस हमारी अगर मानी कि आपने किसी भी लिंक को क्लिक नहीं किया और किसी भी कस्टमर केयर के फोन को आपने उठा के उसकी जो केवाईसी की जो डिटेल्स है, आपके जो फोन के अंदर की डिटेल्स है, आपने वो उनको शेयर नहीं की, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप साइबर फ्रॉड के अंदर शिकस्त में नहीं आएंगे और आप खुद को और आपके रिलेटिव्स को आप इसमें बचा सकते हैं। तो पुलिस आयुक्तालय की तरफ से मैं आप सभी को ये 2-3 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।